हेलो, सत श्री अकाल। मैं रचना नारंग होम शेफ किचन से आपके लिए दिवाली की रेसिपी, जो आप घर में क्विक जल्दी बना सकते हैं, जो आपके गेस्ट आ जाएं तो उनके लिए सर्व करने के लिए, आप उनके लिए क्विक मैक्रोनी सैलेड एज ए स्नैक्स और एज ए सैलेड भी सर्व कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए आज चिकन मैक्रोनी सैलेड और वेज मैक्रोनी सैलेड दोनों की ऑप्शन बताऊँगी। ये काकड़ी और ये धनिया गार्निश के लिए हमें चाहिए। ये चिकन हमने बॉईल करके श्रेड किया है और ये केचप, टमाटो केचप, ये सैलेड लीफ है और ये हनी है। ये कॉर्न, स्वीट कॉर्न बॉईल करके रेडी रखे हैं। ये ब्लैक पेपर, ये शिमला मिर्ची येलो और रेड वाली है, ये चिली फ्लेक्स, कैरेट, काला नमक, मैक्रोनी बॉईल करके छान के हमने रेडी रखी है और ये कर्ड। ये उनको रेसिपी को अच्छा बनाने के लिए सैंडविच स्प्रेड और वेज मेयोनीज हम इन सबको यूज़ करेंगे, दोनों चीज़ों को कर्ड के साथ रेसिपी अपनी बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम लेंगे मैक्रोनी। ये आपके ऊपर है कि आपको कितना मैक्रोनी यूज़ करना है, आप ज़्यादा भी ले सकते हो और कम भी, आपके टेस्ट के ऊपर है। और कैरेट डालेंगे बारीक कटा हुआ। ये कैप्सिकम है येलो और रेड, ये भी आपके ऊपर है कि बच्चों को, कई बच्चों को नहीं सूट करता या खाते नहीं है कैप्सिकम, तो नहीं डालिए, कोई ज़रूरी नहीं है डालना। ये है कॉर्न जो हमने बॉयल करके स्वीट कॉर्न रखा हुआ है। सैलेड लीव्स, ये भी आपके ऊपर है कि आपको कितना यूज़ करना है, कितना खाना है। और ये है काकड़ी, ये कुकम्बर हम यूज़ कर रहे हैं। अभी इसकी गार्निश के लिए हम लोग इसमें डालेंगे कर्ड, 2 टीस्पून कर्ड डाल रहे हैं हम। इस कर्ड में कुछ भी मिक्स नहीं है, ये प्लेन कर्ड है। इसके अंदर हम मिक्स करेंगे रॉक सॉल्ट, जो हमें काला नमक बोलते हैं। ये सैलेड में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो प्लेन सॉल्ट से ये वाला सॉल्ट यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। ये रेड चिली फ्लेक्स, ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और ये काली मिर्ची, जो इस सैलेड में सबसे ज़्यादा टेस्ट इसका ही आता है, तो थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे तो अच्छा लगेगा। और हनी, ये भी ऑप्शन है आपको, अगर स्वीट नहीं चाहिए तो नहीं डालिए, आपके ऊपर है। थोड़ी सी केचप, और अब हम डालेंगे इसमें सैंडविच स्प्रेड। ये बाज़ार में अवेलेबल है, ये मेरे पास फन फूड का सैंडविच स्प्रेड है, तो 1 चम्मच ये सैंडविच स्प्रेड डाला। और साथ ही 1 चम्मच मेयोनीज, ये भी फन फूड का वेज मेयोनीज है। और इसको सबको अच्छे से मिक्स करना है सैलेड को। सब ये सबसे टेस्टी सैलेड और क्विक बनने वाली सैलेड है। घर में गेस्ट आ गए तो सब सब्जियाँ अपने पास होती हैं, पास्ता नहीं है तो भी हम लोग ऐसे सब मिक्स करके बना लेते हैं सब चीज़ें और सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको अभी, ये बन गई अपनी वेज मैक्रोनी सैलेड, पास्ता डाल के जो हमने मैक्रोनी डाल के बनाई है। अभी हम बनाएंगे चिकन और मैक्रोनी सैलेड। ये हमने श्रेड करके चिकन रखा हुआ है, ये जो हमने वेज बनाई है इसमें से ही थोड़ा सा लेके मैं आपको बता देती हूँ रेसिपी। इसमें हम ये चिकन मिक्स करेंगे। आपको ज़्यादा चिकन वाली सैलेड खानी है तो चिकन ज़्यादा डालिए और वेजेस कम कर दीजिए, सब आपके ऊपर है। अभी इसके लिए हम थोड़ी सी और, हमें सैलेड ये चाहिए, सैंडविच स्प्रेड थोड़ा सा और ऐड करेंगे चिकन को पूरा गार्निश करने के लिए। मेयोनीज भी थोड़ा सा और ऐड करेंगे। ऐसे अच्छे से मिक्स किया, ये आपकी चिकन मैक्रोनी सैलेड चिकन वाली बन गई और ये वेज वाली बन गई। इसको गार्निश करेंगे। ये दोनों रेसिपी रेडी है, एक वेज पास्ता सैलेड और नॉन वेज पास्ता सैलेड, दोनों ही बहुत टेस्टी है। ये क्विक जल्दी बनने वाली रेसिपी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।